अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद रियाज पाशा दक्कन किराम न्यूज में आप सबका इस्तेफाल करता हूँ। आइए देखते हैं तो है, ड्रेनेज का पानी बहता रहता, एसोसिएशन कुछ नहीं करता। किस चीज के लिए है एसोसिएशन? गरीब के पेट पे लात मारने के लिए? और जो बंदा घड़ी घड़ी जाके इनके खिलाफ कंप्लेन कर रहा, चाहे पुलिस स्टेशन में है चाहे म्युनिसिपल में है, वो जिस बिल्डिंग में किए लाइट में रहते हैं चौथे माले पे, वो माला जो है इलीगल है, लेकिन वो मालदार लोग हैं, मालदार लोग उनके लिए इलीगल कुछ नहीं है। मेरे पास पूरी डिटेल्स हैं, पूरे अकबर हिल्स में, पूरे इस एरिया में कितना इलीगल कंस्ट्रक्शन है, 150 गज 200 गज पे कैसे 5-5, 6-6 माले बनाए हैं, ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है। रामदेव बाबा का जो वो है मार्बल शॉप, वहाँ पे मार्बल्स बाहर हैं। हैप्पी होम्स की इतनी बड़ी सोसाइटी है, उसके बाहर ही मेन रोड पे जो है वाइन शॉप है। अगर आप लोगों में हिम्मत है उसको हटा के बताइए ना, वहाँ पे लेडीज़ का कितना आना जाना है, कितना मुश्किल है। वो तो पूरी एक सोसाइटी है, हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग रहते। ये आप देखिए, यहाँ पे डेकन एलाइट के पास गोल्डन हाइट्स है, वहाँ का चौरस्ता देखिए, वो भी रेजिडेंशियल एरिया है। अब इनका इंकशाफ क्या है कि ये अभी सिगरेट और चाय बेच रहे हैं, कल को चर्स बेचेंगे, गांजा बेचेंगे, यहाँ पे लोग बैठेंगे, लोगों का फिर ठाठा ठीठी होगा, फिर हमारी माँ बहन बेटियों को क्या है, रेजिडेंशियल एरिया है। अब इनका इंकशाफ क्या है कि ये अभी सिगरेट और चाय बेच रहे हैं, कल को चर्स बेचेंगे, गांजा बेचेंगे, यहाँ पे लोग बैठेंगे, लोगों का फिर ठाठा ठीठी होगा, फिर हमारी माँ बहन बेटियों को क्या है बातें की जाएंगी। अरे आज तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, आप गलत क्यों सोच रहे हैं? अब सेंटर में देखिए, शरपरस्त हुकूमत है, नफरत भरी हुकूमत है, यूपी में योगी आदित्यनाथ है, एंटी माइनॉरिटी एंटी मुस्लिम है, तो कल को मुसलमानों के साथ क्या होगा? अब के हालात जो हैं, जगह जगह मुसलमानों के साथ कैसा किया जा रहा है, तो उससे क्या है कि हम मुसलमान देश छोड़ देंगे क्या? वो डर से हम खामोश बैठेंगे क्या? अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं? जबकि ये आदमी जो यहाँ पे पिछले 18 साल से है, 18 साल से हम लोग कुछ भी नहीं देखे, ये इसके डब्बे के सामने पूरा यहाँ पे कचरा कुंडी रहता था, इसने अपने हाथों से साफ किया। अब जो है म्युनिसिपल से कोई आए थे तो बोले कल बुलडोजर लाएंगे। अब देखिए, मुसलमानों को मोदी की जरूरत नहीं, अमित शाह की जरूरत नहीं, योगी आदित्यनाथ की जरूरत नहीं, यहाँ